हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शर्मा राम, आर्यस कॉलेज तारापुर से, डिग्री पार्ट वन के छात्रों के लिए जो ऑनर्स और सब्सिडियरी दोनों पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी है, टीचिंग मटेरियल वीडियो टीचिंग के माध्यम से लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं आज फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत से राजनीतिक दल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है तथा उसके कार्य क्या है लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ऑनर्स के छात्र के साथ साथ पार्ट वन ऑनर्स के छात्र छात्राओं के साथ साथ सब्सिडियरी के छात्र छात्राएं भी मेरी वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। तो प्रस्तुत है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके कार्य क्या है। साधारणतः किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित दल को, संगठित समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल नागरिकों के उस नियमानुसार व्यवस्थित संगठन को कहते हैं जो किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर निर्मित हो और अधिकाधिक मतदाताओं को अपने विचार के अनुकूल बनाकर राज्य की शक्ति पर अपना आधिपत्य स्थापित करके अपने विचारों को क्रियान्वित करना चाहता हो। ऐसे तो राजनीतिक दल की परिभाषा बहुत ढंग से, बहुत तरह से दी जा सकती है, जिसमें गेटेल की एक परिभाषा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का पूर्णतया या आंशिक रूप से व्यवस्थित संगठन है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने अधिकारों के प्रयोग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अपनी साधारण नीति को कार्यान्वित करना चाहता है। मेकाइवर ने भी राजनीतिक दल की परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है, ए पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड इन सपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल्स और पॉलिसी विच बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंडेवर्स टू मेक द डिटरमिनेंट ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात राजनीतिक दल किसी नियम या नीति के समर्थन के लिए व्यवस्थित वह समुदाय है जिसको वह वैधानिक ढंग से शासन का निर्णायक आधार बनाना चाहता है। बर्क ने भी राजनीतिक दल की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है, राजनीतिक दल व्यक्तियों के एक ऐसे समुदाय का नाम है जो सर्वसम्मत सिद्धांत के आधार पर संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा राष्ट्रीय हित का संवर्धन करने के लिए संगठित होते हैं। छात्रों, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित, मतलब इस प्रकार की बातें अपेक्षित होती हैं। पहली बात कि आर्थिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों पर सदस्यों का सहमत होना। दूसरी बात, सदस्यों का नियमानुसार वैध संगठन।
तीसरी बात, संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा नीति को क्रियान्वित करने की इच्छा तथा प्रयत्न करना। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, अब हम राजनीतिक दल की परिभाषा जानने के बाद राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं उसके संदर्भ में जानेंगे। लोकतांत्रिक शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों की सत्ता नितांत आवश्यक होती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए लोकतंत्रीय शासन को दलगत शासन भी कहते हैं। स्मिथ के विचारानुसार राजनीतिक दल प्रजातंत्र के रीढ़ होते हैं। प्रजातंत्र में सरकार बहुमत के आधार पर बनाई जाती है और बहुमत को व्यवस्थित करने का कार्य राजनीतिक दलों का ही होता है। निस्संदेह राजनीतिक दलों के अभाव में शासन का कार्य स्थगित हो सकता है। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों में राजनीतिक दल के कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य, राजनीतिक दल जनता के समक्ष सुनिश्चित रूप से राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को पेश करते हैं। आधुनिक युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं ऐसी जटिल तथा पेचीदा होती हैं कि सर्वसाधारण के पास उनको समझने के लिए न तो पर्याप्त ज्ञान होता है, न पर्याप्त अभिरुचि और न पर्याप्त साधन। राजनीतिक दल मीटिंग करके तथा पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा विशेष समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं और सर्वसाधारण की जटिल समस्याओं को सरलतापूर्वक सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय समस्याओं को स्पष्टतया सुनिश्चित बनाकर उन पर लोकमत तैयार करते हैं। दूसरा जो कार्य है राजनीतिक दलों का, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जनता में नागरिक एवं राजनीतिक चेतना को जागृत करता है। राजनीतिक दल पत्रों, पत्रिकाओं तथा व्याख्यानों के द्वारा जनता का राजनीतिक निरीक्षण करते हैं। विभिन्न दल जनता के समक्ष एक ही आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं के भिन्न भिन्न पक्षों या पहलुओं को पेश करते हैं। इस प्रकार जनता को प्रत्येक पक्ष की युक्तियों को सुनकर उसके गुण दोषों पर विचार करने और विवेकपूर्ण निर्णय के को करने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरा जो कार्य है राजनीतिक दलों का, तीसरा काम अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए शासन तंत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना है। प्रत्येक दल निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को चुनता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा समस्त देशों के उत्कृष्ट नागरिकों को प्रतिनिधि बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक दल निर्वाचन के समय अधिक से अधिक स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। स्थान मतलब सीट प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। निर्वाचकों को अपने पक्ष में करके व्यवस्थापिका पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। प्रिय छात्रों, राजनीतिक दल का चौथा जो कार्य है वह है निर्वाचन के परिणाम स्वरूप जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है या व्यवस्थापिका में जिसकी सदस्य संख्या सबसे अधिक हो जाती है वह सरकार बनाने का कार्य करता है, अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और घोषणा पत्र में प्रदर्शित अपनी नीति को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है। जो दल निर्वाचन में परास्त हो जाता है, हार जाता है, वह व्यवस्थापिका में विरोधी दल ऑपोजिशन में बैठता है और शासक दल की नीति एवं कार्य की जनता के समक्ष आलोचना करता है तथा किसी भी समय शासन सूत्र को अपने हाथों में
लेने के लिए प्रयत्न करता रहता है। पांचवा जो कार्य है, राजनीतिक दलों के कारण व्यवस्थापिका के सदस्यों में एकता की भावना तथा संगठन रहता है। दल का प्रत्येक सदस्य निर्वाचन के समय मतदाताओं के सामने किए गए वादों को पूरा करने के लिए स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से वचनबद्ध होता है और उसको पूरा करने का प्रयत्न करता रहता है। छठा कार्य जो है, राजनीतिक दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में मेल पैदा करते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी कैबिनेट उसी दल की होती है जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है, इसलिए दोनों में संघर्ष का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। परंतु अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भी जहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग होता है, राजनीतिक दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच खाई को पाटने का कार्य करते हैं। सातवां जो कार्य है, राजनीतिक दल मतदाता और प्रतिनिधियों में निरंतर संपर्क स्थापित रखते हैं। जिस दल के हाथ में शासन सूत्र होता है उसके सदस्य जनता में जाकर शासन पद्धति को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं तथा जनता की शिकायतों को शासन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय छात्रों, राजनीतिक दल के और भी कार्य हैं। अनेक राजनीतिक दल सांस्कृतिक विकास और सामाजिक सुधार का भी कार्य करते हैं। राजनीतिक दल वाचनालय, पुस्तकालय तथा अध्ययन केंद्र आदि स्थापित करके सांस्कृतिक विकास में बड़ा ही योगदान देते हैं। कुछ राजनीतिक दल सामाजिक सुधार का भी कार्य करते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में हरिजन उधार या महत्वपूर्ण एवं श्रेयस्कर कार्य किया। प्रिय छात्रों, छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। मेरे अतिरिक्त और भी महाशय जो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं, उनसे भी आप अपनी तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस स्प्रेड यानी COVID-19 स्प्रेड के समय में भी आप अपनी तैयारी ढंग से करते रहें और परीक्षा में अच्छे अंक लाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।